आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है देश लाइव का, जहां हम आपको बताते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में। खबर महाशिवरात्रि से जुड़ी है। महाशिवरात्रि पर्व की धूम आज चारों तरफ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर्व से जुड़े देशवासियों को सीएम योगी और पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। चारों तरफ बम भोले के जयकारों से भक्तिमय वातावरण देखने को मिल रहा है। लोग बस भोले की महिमा में खोना चाहते हैं। इसी कड़ी में सुबह से ही भगवान शिव शंकर के मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा दिखाई दिया, तो वहीं हरिद्वार गंगा से कांवड़ लेकर वापस लौट रहे भगवान शिव को जलाभिषेक करते हुए कांवड़िए नजर आए। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को महाशिवरात्रि की बधाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महाशिवरात्रि के पावन पुनीत अवसर पर आप सभी देशवासियों को मंगल कामनाएं। देवों के देव महादेव सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर विधि विधान से देवाधिदेव महादेव का रुद्राभिषेक कर विश्व कल्याण की कामना की। साथ ही सीएम योगी ने महाशिवरात्रि पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां दी। यूपी में छठे चुनाव के चरण की तैयारियां जोर शोर से चलाई जा रही है। आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। की जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में छठे चरण का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर जो प्रचार चल रहा था वो फिलहाल आज समाप्त हो जाएगा। यहाँ 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होगा। जिन जिलों में चुनाव होने हैं उनमें बलिया, गोरखपुर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजागंज, बस्ती और अंबेडकर नगर शामिल है। इन जिलों के 2.14 करोड़ से अधिक मतदाता 676 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस चरण में जिन प्रमुख प्रत्याशियों की किस्मत दांव पे है उनमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य सरकार में मंत्री सतीश द्विवेदी, सूर्य प्रताप शाही, उपेंद्र तिवारी, श्रीराम चौहान और रामस्वरूप शुक्ला मुख्य हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, बसपा छोड़ सपा में आए लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा, राजकिशोर सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई दिग्गज शामिल हैं। रूस और यूक्रेन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार ये विवाद और तेजी से गर्माता जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच का विवाद अब काफ़ी ज़्यादा गर्माता जा रहा है। यहाँ बेलारूस में सोमवार को दोनों देशों के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही। इसी बीच रूस ने परमाणु ट्रायड की तैयारी भी अब शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर से 84 किलोमीटर लंबा रूसी सैन्य काफिला बढ़ रहा है। इसी कड़ी में रूस ने यूक्रेन पर हमला और भी तेज कर दिया है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन के ओखित्रका शहर में रूसी सेना की ओर से जोरदार हमला किया गया। इस हमले में यूक्रेन के सैन्य बेस को निशाना बनाया गया, जिसमें 70 से ज़्यादा यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की बात सामने आई है। ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार भारतीय नागरिकों को भारत लाने की तैयारी की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का काम लगातार जारी है। इसी कड़ी में 182 भारतीय नागरिकों को लेकर 7वें ऑपरेशन गंगा के तहत
फ्लाइट भेजकर बुखारेस्ट से मुंबई पहुंचाया गया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुंबई हवाई अड्डे पर भारतीय छात्रों की अगवानी की। वहीं एक भारतीय छात्र ने जानकारी दी कि ऑपरेशन गंगा की 8वीं उड़ान भी बुडापेस्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। छात्र ने कहा कि ये एक सहज प्रक्रिया थी। हम यूक्रेन से हंगरी पहुँच निकलने के लिए भारतीय दूतावास और सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, वो हमें सकुशल घर वापस लाने की कोशिशें कर रही है। वहीं इसको लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षित नहीं हैं। इस बीच यूक्रेन संकट पर सोमवार शाम को उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी सरकारी मशीनरी 24 घंटे काम कर रही है ताकि सुनिश्चित हो सके कि वहाँ सभी भारतीय सुरक्षित हैं। जल्द ही 3 निगमों के चुनाव किए जा सकते हैं। इसको लेकर मतदान केंद्रों की सूची को लेकर भी बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली राज्य चुनाव आयोग की ओर से तीनों नगर निगमों के चुनाव कराने के लिए उनके समस्त वार्डों के मतदान केंद्रों की सूची देखने की अवधि सोमवार को खत्म हो गई है। हालांकि चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं ने मतदान केंद्रों की सूची देखने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। समस्त वार्डों के रिटर्निंग ऑफिसरों के पास राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ही दस्तक दी। उन्होंने कुछ वार्डों के मतदान केंद्रों में बदलाव करने का सुझाव भी दिया। आयोग ने इस सप्ताह के अंत तक मतदान केंद्रों की सूची को अंतिम रूप देने का फैसला किया है। आम आदमी पर महंगाई की मार अब पड़ गई है। आपको बता दें कि LPG गैस के दाम बढ़ चुके हैं, जिसको लेकर आम आदमी की जेब अब बहुत ज़्यादा ढीली होने वाली है। आपको बता दें कि यूक्रेन संकट के बीच आज यानी कि 1 मार्च से कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए हैं। सिलेंडर के दाम में 105 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं अब आशंका ये भी जताई जा रही है कि 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही घरेलू LPG गैस भी महंगा हो सकता है। आपको बता दें कि भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए LPG सिलेंडर की कीमत हर महीने बदलती रहती है। आपको बता दें कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी होने से आपको कि होटल और रेस्टोरेंट चलाने वाले व्यवसायियों की जेब पर इसका भारी असर देखने को मिलेगा। 19 किलो वाला LPG सिलेंडर 1 मार्च यानी कि आज से दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां पर ये 1,907 रुपए के बजाय आपको बता दें कि ये 1,907 रुपये के बजाय 2,012 का मिलेगा। वहीं अगर कोलकाता की बात की जाए तो यहाँ पर 1,987 रुपये के बजाय 2,095 रुपये का मिलेगा। वहीं बात की जाए अगर मुंबई की तो इसकी कीमत बढ़कर 1,857 हो गई से बढ़कर 1,963 रुपये हो गई है। देश लाइव में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABC Star News। नमस्कार।